स्टेशन की हालत देखो एक बार, इंडियन स्टेशन से भी गया गुजरा फील हो रहा है। और ये किसी गांव वाले एरिया में आ गए हैं। उनका रिप्लाई ये था कि सर हमारे पास लगेज रखने की जगह ही नहीं है। वो बच्चा जो सुसु कर रहा है, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है 29th August 2023। हम हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल ट्रेन स्टेशन पे और अब यहाँ से निकल रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन पे। एम्स्टर्डम बहुत बढ़िया रहा, दो दिन बड़ा फन हुआ। अब चल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। तो ट्रेन है हमारी आधे घंटे में, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे की ट्रेन है। नींद पूरी नहीं हुई मेरा तो मैंने सो जाऊँगा ट्रेन में। पहुँचते हैं वहाँ के लिए सिर्फ एक दिन रखा है, बिकॉज बड़ी कॉम्पैक्ट सिटी है और ऐसा कुछ स्पेशल वो भी नहीं है। तो वहाँ मैंने कहा दो दिन देखे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बेटर है एक दिन अपना पेरिस में बढ़ाएंगे। तो परसों वहाँ से निकलेंगे सीधा पेरिस। तो एक बार देख के आता हूँ प्लेटफॉर्म पे या उस पर या शेड्यूल पे ना, यहाँ पे ये भी तो चक्कर है, ज़्यादा जल्दी आ जाओ तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर ही नहीं पता चलेगा। तो गिनती 5 मिनट पहले ट्रेन भेजते हैं, ये भी नहीं कि पहले बैठ जाओ, सेटल हो जाओ, सामान रख लो, नहीं इसी टाइम। ये शायद चलती ही ब्रसल्स से एम्स्टर्डम के उसमें है, 2x2 कॉन्फ़िगरेशन है, खाली पड़ी है ट्रेन, कोई खास भीड़ है नहीं। तो अच्छा इसकी रिजर्वेशन नहीं ली मैंने, फालतू पैसे ही भुगते, कोई है ही नहीं। और कुछ ऐसी है 2x2 की कॉन्फ़िगरेशन, कंफर्टेबल है, सीट्स तो अच्छी है, लगेज रखने का भी स्पेस मोर देन इनफ है। चलते चलते ट्रेन में थोड़ी सी नींद पूरी कर ली और नई कंट्री में भी एंटर हो गए। सो स्वागत है आप सभी का बेल्जियम में। और यहाँ सिर्फ हम आई थिंक एक दिन के लिए हैं, ब्रसल्स जिनकी कैपिटल है वहीं पे जा रहे हैं। ये हो गई हमारी ट्रिप की 9th कंट्री एंड चॉकलेट्स लेनी है, वॉफल्स ट्राई करने हैं। ब्रसल्स सेंट्रल स्टेशन पे हमारी ट्रेन पहुँच गई है और सच बता रहा हूँ ऐसा गया गुजरा स्टेशन लग रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। कि ये तो जैसे पता नहीं किसी गरीब कंट्री के स्टेशन पे आ गए। देखो ना साफ है, ना कुछ है, ना सर्विसेज हैं, बट चलो एस्केलेटर लगा हुआ है विच इज़ नाइस, बट फटे हाल है, ये एकदम सेंटर ऑफ ब्रसल्स है। तो यार ब्रसल्स के मेन मिडी स्टेशन पे पहुंच गए थे और आप स्टेशन की हालत देखो एक बार, मतलब यार ये तो इंडियन स्टेशन से भी गया गुजरा फील हो रहा है। इसका प्लेटफॉर्म ओवरऑल जो सब कुछ है, ट्रैक्स कितने गंदे हैं, हर चीज़ मतलब इतनी अंडर डेवलप्ड है। और ये मेन स्टेशन है, सेंट्रल वाला तो बहुत छोटा है, वो तो ऐसा लगा कि जैसे मेट्रो स्टेशन है उस पर एक दो लाइंस अलोकेट कर दी हैं रीजनल ट्रेन्स को, राइट, एंड देन वो यूज़ हो रही हैं। बट ये तो यार एक्सपेक्ट कर रहा था ना काफ़ी मॉडर्न सा, एक्सपेक्टेशन सारी पानी पानी हो गई। अब लग रहा ठीक है एक ही दिन दिया ब्रसल्स में, पता चला सिटी भी ऐसी हो कबाड़ा सी, देखते हैं चलो। ये प्लेटफॉर्म से जो नीचे उतर के आया है ना, ये फिर भी अच्छा बना रखा है, काफ़ी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, मॉडर्न सा फील हो रहा है। बट यार ऊपर तो सही में देख के ऐसा मन सा हो गया था, मैंने कहा क्या भला है ये। जहाँ पे यार मैंने होटल बुक करा था ना, मैंने एक्चुअली चेक नहीं कर पाया कि वो लोकेशन क्या है क्या नहीं है। तो वो निकली ब्रसल्स से थोड़ा सा हल्का सा मतलब सेंटर से दूर, तो अपने ट्रेन पास एक्टिव है वो तो चलो अच्छी बात है। तो एक ट्रेन और है यहाँ से 5 मिनट की, वो लेके उस स्टेशन पर पहुँचेंगे, वहाँ से वॉकिंग है। और ये बड़ी मॉडर्न अच्छी सी ट्रेन है, ये देखो मैं दिखाता हूँ, बड़ी सही 3 कोच की थी, स्क्रीन भी लगी है, ऊपर डिस्प्ले आ रही है, मतलब जैसे प्रॉपर नई मेट्रोज होती है ना उस तरीके से। तो यार ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि हमें ब्रसल्स मिडी से ब्रसल्स सेंट्रल की ट्रेन पकड़नी थी, सेम टाइम पे 2 ट्रेन थी, हम चढ़ गए दूसरी वाली में और ये किसी गांव वाले एरिया में आ गए हैं, पता नहीं कहाँ पे। लोकेशन बड़ी अच्छी है बट अभी अपने पास लगेज है तो घूम नहीं सकते यहाँ, वरना जगह बड़ी प्यारी लग रही है। तो अब देखते हैं यहाँ से वापस सेंट्रल वाली ट्रेन कहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो आप देख पा रहे होंगे जो मेरे सामने ये कैथेड्रल है, दिस इज़ दी वेरी मेन कैथेड्रल ऑफ ब्रसल्स सिटी, सेंटर में है, सेंटर स्टेशन यहाँ से वॉकिंग ही है। और देखो यार चर्च तो सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो अब मैं बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है वो क्या रहा। सबसे पहले हम पहुँचे ब्रसल्स मिडी स्टेशन। ब्रसल्स मिडी पहुँचने के बाद हमारा जो होटल बुक्ड था तो वहाँ से ट्रेन जाती थी, तो उस ट्रेन से हम पहुँचे वहाँ पे स्टेशन पे। स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, 5-7 मिनट की वॉकिंग पे था, तो वॉक मैंने किया और मैं पहुँच गया अपना होटल पे।
ये आइबिस का था, ऐसा नहीं कि कोई लोकल होटल हो, कुछ हो, ट्रस्टेड नेम आइबिस जिसकी चेन्स हैं। तो पहुँचे तो उन्होंने कहा चेक इन इज़ फ्रॉम 3, तो इफ़ यू वांट द रूम यू विल हैव टू पे 20 यूरोस एक्स्ट्रा। मैंने कहा यार मुझे रूम अभी चाहिए ही नहीं, मेरे पास आज का दिन है, राइट, सुबह अपने को पेरिस निकलना ही है। तो मैंने कहा रूम लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप रूम मत दो मुझे, आप मेरा ना लगेज रख लो, बस ये 2 बैग्स हैं, मैं रात को आके आपसे रूम ले लूँगा, मैं आपको मॉर्निंग में अर्ली चेकआउट दे दूँगा, मेरी ट्रेन है पेरिस के लिए, जो कि ऑब्वियसली सारे होटल्स में हो जाता है। बट शॉकिंगली ब्रसल्स में इतने बड़े होटल का उनका रिप्लाई ये था कि सर हमारे पास लगेज रखने की जगह ही नहीं है। मतलब आप पहले ही इसको डाइजेस्ट करो कि लगेज रखने की जगह है ही नहीं उनके पास, ऐसा कह रहे हैं वो, ठीक है। तो जब लगेज रखने की जगह नहीं है, मैंने कहा यार मुझे तो लगेज रखना है, मैं रूम लेके क्या करूँगा 20 यूरो का। कह रहे नहीं सर हमारी तो पॉलिसी ये है। मैंने कहा अगर कोई जल्दी आ जाए तो आप कैसे दोगे? कह रहे नहीं आपको या तो अर्ली चेक इन चाहिए हो तो अर्ली चेक इन आपको मिल जाएगा, और अगर आपको अर्ली चेक इन नहीं चाहिए तो लगेज हम नहीं रख सकते, हमारे पास जगह ही नहीं है। मैंने कहा यार बड़ा स्ट्रेंज है, मैं 9th कंट्री है, मैं 8 कंट्रीज़ में अलग अलग सिटीज़ में ट्रैवल करके आ रहा हूँ, कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पे मैं, मुझे लग रहा था स्विट्ज़रलैंड में ऐसा हो सकता है, बट वहाँ पे भी मुझे नहीं मिला। तो वो करने के बाद यार मेरा थोड़ा सा मूड ऐसा ही हुआ, तो होटल था वो बेसिकली 45 यूरोज़ का, 20 यूरो ये मांग रहे थे। अब 20 यूरो कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, मैं दे देता अर्ली चेक इन ले लेता, बट मेरा इस पर दिमाग ख़राब हुआ ना कि यार हमारे पास स्टोरेज नहीं है रखने के लिए। मतलब आप होटल चला रहे हो, मजाक कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो यार तू, तो मजाक है क्या? ये थोड़ा है कि बंदा आपके 3 बजे के चेक इन के अकॉर्डिंग आएगा, कहीं भी रख लेता आदमी लगेज। तो मैंने कहा इसको तो 20 देने नहीं है, सीधी सिंपल बात है, इसको 20 नहीं देंगे हम। मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा यू रेल पास है, मैंने कहा छोड़ो तुम 3 बजे रूम दे लेना, रख लो अपना रूम अपने पास, मैं 3 बजे आके ले जाऊँगा। तो वहाँ से फिर हम निकले, मैंने कहा ब्रसल्स सेंट्रल स्टेशन के पास ही ये कैथेड्रल है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं वहाँ पे अपना लॉकर में रख देंगे सामान और घूम लेंगे, ऐसा कर लेंगे अगर वो ठीक लगेगा तो। तो हुआ क्या, हमारे ब्रसल्स मिडी पे उतरे, वहाँ से 12:45 की ट्रेन दिखा रहा था तू ब्रसल्स सेंट्रल, 4 मिनट का स्टॉप था, मैंने कहा फटाफट चलते हैं वहाँ लगेज रख देंगे। तो हुआ क्या, 12:45 पे एक और ट्रेन थी, तो गलती से 12:45 ही देख के ट्रेन नंबर बिना देखे मैं उसमें चढ़ गया, वो काफ़ी तेज़ चलने लगी। मैंने कहा यार इतना तो डिस्टेंस ही नहीं है, और ये मैं देख के निकल चुके थे स्टेशन से, तो मैंने कहा ये तो अंडरग्राउंड है तो इसमें तो टनल भी आनी चाहिए, बट टनल भी नहीं आई। तो यार मैं, मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा यार ऐसा क्या हो गया। फिर देखा मैप में मैंने कि हम तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ब्रसल से बाहर जा रहे हैं, फिर दिमाग में आया ये तो कहीं और की ट्रेन पकड़ ली, बहुत बढ़िया। आधे घंटा लगा के वो एक अच्छे से गाँव जगह पे ले गई, गांव था वो, वहाँ पे फर्स्ट उसका स्टॉप आया। अब मैंने कहा चलो कोई नहीं यार यहाँ घूम लेंगे, उस स्टेशन पे उतरे वहाँ कोई एस्केलेटर नहीं, अब मैं सीढ़ी पे इतना बड़ा सामान उठा के फिर ऊपर चढ़ना, दोबारा आना, मैंने कहा छोड़ो वापसी की ट्रेन पकड़ो। तो वहाँ से फिर वापसी की ट्रेन पकड़ी, ब्रसल सेंट्रल आए हैं, 1:30 में बज गया। अब ये कैथेड्रल है सामने, ये एक बार घुमाता हूँ जब तक, फिर लगेज है यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, वही 10 मिनट का डिस्टेंस है अपने होटल का, 10 मिनट में वहाँ पहुँचेंगे, लगेज फेंकेंगे। इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स था, ये भी एक्सपीरियंस करना था, तो एक्सपीरियंस कर लिया। अब चलते हैं आपको चर्च दिखाते हैं अंदर से। तो इसका नाम है सेंट माइकल एंड सेंट गुडुला कैथेड्रल, बड़ा लंबा नाम है, बट ब्रसल्स का ये सबसे बड़ा कैथेड्रल है, बहुत लोग इसमें आते हैं ओवरऑल वर्ल्ड से, और ये काफ़ी बार रिनोवेट हुआ है, जो भी डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो ओवर द सेंचुरीज इसका डिज़ाइन चेंज होता रहा है, इसीलिए देखोगे ना आप अंदर से काफ़ी नया सा लग रहा है, इसमें कोई भी पुराने 11th सेंचुरी मतलब 1000 साल पुराना नहीं लग रहा है ये, क्योंकि इसमें रिनोवेशंस होते रहे हैं। ग्लास विंडो के लिए फेमस है बाहर, जो 2 पिलर्स का डिज़ाइन है उसके लिए, तो अंदर से देखो आप काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इनका सही है यार, किंग्स और क्वींस का, इनकी आराम से यहीं पे शादी करते होंगे, फ्री में डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाती होगी, मजे ही मजे। देख लिया अंदर से चर्च, और बाकी तो काफ़ी नया नया सा लग रहा है, बहुत मतलब साफ सुथरा सा, जैसे बाकी काफ़ी सारे डैमेज्ड या कुछ, तो यहाँ पे ऐसे वो साइंस कोई नहीं है। तो ये है यार वो, देख लो होटल आइबिस बजट, कभी भी इसको बुक मत करना, मतलब इतनी चिंदी हरकतें हैं इनकी कि इन्होंने हमारा इतना टाइम वेस्ट कराया। ये है रुइसबर्ग में है आइबिस बजट। सो यहाँ से निकलते निकलते हमें मिला प्योर वेज इंडिया थाली बफे 1495,
समोसा चाट 995, छोले भटूरे 995, प्योर वेज और ब्रसल्स में जो मेन पैलेस है इनका, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं एक सर्किट कंप्लीट करेंगे जो पूरा ये ओल्ड सिटी जो सेंटर का होता है ना, क्या क्या आता है इसके अंदर। तो ये है जी इनका रॉयल पैलेस ऑफ ब्रसल्स। काफ़ी ब्रॉड सी स्ट्रीट है, थोड़ा सा इसका जो गेट वेट का डिज़ाइन है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे बकिंगम पैलेस की याद दिला रहा है, जो आसपास का लोकेशन है। मतलब सन्नाटा देखो यार, मेन स्क्वायर मिल जाए थोड़ा यार, खा पी लें, भूख भी लग रही है। और ये जो अभी पैलेस देखा था उसका साइड वाला व्यू, चलो साइड वाले में एटलीस्ट वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही तो ये फिर भी ठीक लग रहा है। उधर एक सामने कैथेड्रल दिख रहा है, बड़ा अच्छा था, वहाँ देखने वाले। तो जी अब चल रहे हैं मेन स्क्वायर की खोज में कि मेन स्क्वायर यहाँ का है कहाँ, जहाँ पे लोग हो, जहाँ पे खाने के ऑप्शन हो, जहाँ पे कुछ देखने का हो, जहाँ पे कुछ करने का हो, क्योंकि ये तो ऐसा सन्नाटा था वीराना कि बस समझ में नहीं आया। ये एक फाउंटेन आया है वियर्ड सा बड़ा, एंड ये देखो सामने डाउन हिल व्यू आ रहा है पूरा। व्यू तो यार यहाँ से अच्छा है, मतलब स्टेयर्स हैं ये और यहाँ लोग भी दिख रहे हैं, सब कुछ तो अच्छा थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ इट्स नॉट दैट बैड। वरना तो लगा था यार बेल्जियम अपनी लिस्ट में से हमेशा के लिए काट दो। तो अब जाके यार एटलीस्ट स्क्वायर तो मिल गया जहाँ पे लोग हैं, दिख रहे हैं, कुछ है सिटी के अंदर। अब वॉफल ढूंढते हैं, वॉफल खाते हैं, और वॉफल के लिए तो फेमस है चूरोज एंड वॉफल्स। एक ये स्क्वायर ये देखिए, आई थिंक मार्केट टाइप जैसे वहाँ थी ना मिलान में, तो सिमिलर टू दैट। और ये शॉपिंग पूरा डिस्ट्रिक्ट होगा, इसमें सारे ब्रांड्स वगैरह सब कुछ होंगे। बेल्जियम आए और बेल्जियन वॉफल नहीं खाया, तो बेल्जियम क्यों आए ये क्वेश्चन होना चाहिए। बट आज हमारा दिन ऐसा चल रहा है, मैंने गूगल पे सर्च किया, आसपास काफ़ी स्टोर्स थे, बट मैं गूगल पे सर्च किया विच इज़ द बेस्ट वॉफल इन ब्रसल्स, तो जो नाम आया वो स्टोर था 180 मीटर, अच्छा वाला मैं वॉक करके आया, पता चला उसके इस वाले पर्टिकुलर स्टोर पे वॉफल मिलते ही नहीं है। अब कहाँ जाके मैं दूसरा स्टोर ढूंढूँ और किसी से लेता हूँ खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि वही अच्छे बनाता होगा, और भी अच्छे बनाते होंगे। एंड अब पहुँच गए हैं हम अपने मेन जो ब्रसल्स का स्क्वायर है, द ग्रैंड पैलेस। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जेन्युइनली सुंदर एरिया लग रहा है ब्रसल्स का। तो यार ये एक और स्टोर मिला वॉफल्स का, और मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, ये देखो आप क्या क्या टाइप के फ्लेवर्स हैं, और ये चॉकलेट, और ये सिर्फ इतने नहीं हैं, ये भी और फ्लेवर हैं। अब इसमें मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ ना कि विच वन आई शुड ट्राई। और जो खुशबू आ रही है यहाँ पे अंदर घुसते ही, ओ माय गॉड, मतलब नेक्स्ट लेवल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा। तो वॉफल खाते हुए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि देखो गिरने वाला था, मैंने कहा रिस्क नहीं लेते। और ऐसे ना कई सारे यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, ये भी एक आई थिंक मॉन्यूमेंट सही है। म्यूजियम्स तो शायद मंडे और ट्यूसडे बंद रहते हैं, तो आज ट्यूसडे है और हम पहुँचे भी लेट हैं, तो खैर अब सारे ही बंद मिलेंगे। बढ़िया खाने पीने के ऑप्शंस काफ़ी हैं, जैसे वॉफल ट्राई किया, और आप फ्राइज़ कर खा सकते हो, बेल्जियन फ्राइज़ बहुत फेमस हैं, और ये भी बंद ही है, हाँ इसके तो स्टेप्स तक बंद कर रखी हैं बैठने के लिए। जहाँ आप स्टे कर रहे हो वो डिपेंड करता है कहाँ है, अगर सेंट्रल स्टेशन से कनेक्टेड है तो वहाँ तक अगर आप आ गए उसके बाद तो वॉकिंग है पूरा, जो भी अट्रैक्शन है ब्रसल्स के खाने पीने और चॉकलेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो यार इस स्क्वायर पे तो ना मतलब जितना खड़े रहो आप उतना कम है, अच्छा स्क्वायर है, देखो जस्ट सराउंड व्यू पूरा, इट्स वेरी वेरी प्रिटी, चारों तरफ जो बिल्डिंग है ना सारी बड़ी अच्छी है। अब आपको लेके चलते हैं जो मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में, और लास्ट व्लॉग में भी आपको जो फ्राइज़ दिखाई थी फेमस एम्स्टरडैम की, राइट। तो उन फ्राइज में अगर आप देखोगे एक बड़ी स्पेशल चीज़ थी, जहाँ से सॉस निकलती है वो एक बच्चे का स्टैचू है, तो वो जो इंस्पिरेशन है वो बेसिकली यहीं पे एक स्टैचू है पास में, उससे ली गई है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखो कैसी कलरफुल सी बना रखी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो बची नहीं क्योंकि वो तो ब्लैक एंड वाइट होती है ना, ये तो अलग ही चीज़ हो गई कुछ बढ़िया। ऐसे कोई स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स हो ना, अगर आपको जैसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं मैप में नहीं भी मिल रहा हो ना, ऐसे भीड़ देख लेना आसपास, जहाँ देखेगी वही है। तो ये राजी मैनिक्विन पिस, वो बच्चा जो सुसु कर रहा है,
जिसके नाम से वहाँ पे एम्स्टर्डम में फ्राइज भी हैं। ये देखो, ये यहाँ का फेमस स्टैचू है और बहुत सारे लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। देखो एकदम आपको मैं अप क्लोज दिखाऊँ फ्रंट से और साइड से, बहुत छोटा है मतलब ना स्टैचू, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये थी स्टोरी जो एम्स्टर्डम की वोटेड नंबर वन फ्राइज है। ये मैनिकिन पिस का स्टैचू है, इसी स्टैचू पे बेस्ड उन्होंने थीम बनाया, नाम भी रखा इनफैक्ट, और सारी चीज़ें इसी बेसिस पे है। तो चलो एक विजिट करनी तो बनती है जब फ्राइज खाई थी, और अब थोड़ी सी भूख लग रही है तो सोच रहा हूँ यहाँ की भी एक बार फ्राइज ट्राई की जाए। अरे कैसी रंग बिरंगी जी साइकिल चढ़ा रखी है बिल्डिंग पे, ये देखो कैसे कैसे काम करते हैं ये, हैं ये आर्किटेक्ट बहुत तगड़ा वाला है। तो सही है यार, इंटरेस्टिंग है। और ये देखो चॉकलेट एरिया है इसी के बगल में, मैनिकिन पेस, और सबसे महंगी चॉकलेट बेच रहा होगा ये सिर्फ स्टैचू के नाम पे। तो ऐसी गलती कभी मत करना, थोड़ी सी इन फेमस रोड्स पे देखना, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्क्वायर से दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो दो जगहों को कनेक्ट करती रोड है उसको बस छोड़ देना, उसके पैरेलल या इधर उधर जाओगे सही चीज़ पाओगे, ये मैंने अभी तक देखा है। यहाँ तो यार मीठी चीज़ों के दीवाने हैं लोग, ये शायद एक बेकरी टाइप ही है, और कपकेक्स हैं क्या है पता नहीं, लाइन देखो यहाँ भी लाइन लगी हुई है। जहाँ मीठा आ जाए ना यहाँ वहाँ लोग बस आ जाते हैं, तो स्वीट टूथ के लिए तो जन्नत है ये। तो देखो यार मैंने सोचा आपको वो भी दिखा दूँ कितने की टिकट है यहाँ। अगर आप वन जर्नी की लोगे तो 2.6 यूरोस की है, और अगर आप वन डे की लोगे पेपर टिकट तो 8 यूरो की है। थिएटर तो यूरोप के कल्चर में मतलब इतना ज़्यादा एम्बेडेड है कि आपको हर सिटी में बड़े बड़े ऐसे थिएटर्स मिलेंगे। इधर से आओगे आप मेन ग्रैंड स्क्वायर से यहाँ मिलेगा, और ऐसे देखो पड़े हुए लोग भी मिल जाएंगे यहाँ। वो तो खैर जैसे जैसे वेस्ट की तरफ आ रहे हैं ना वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, अनसेफ होना और सारी चीज़ें होना। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बहुत हैं ब्रसल्स में, मेन स्क्वायर से थोड़ा सा इधर आओ, ये देखो बड़ी ही मॉडर्न सी है, नाइस। और देखो BMW Z टाइप न्यू मॉडल लुकिंग ऑसम। सो बेल्जियम के सफ़र को यहीं कट शॉर्ट करते हैं, बिकॉज यार कल का ना मुझे ट्रेन्स का भी देखना है, अभी मैंने फाइनल नहीं किया किससे जाना है क्या, होटल्स का भी देखना है। होटल चल रहे हैं वापस, ट्रेन लेते हैं यहाँ से, कल से मज़ा आएगा घूमने में पेरिस। मैंने सोचा चलते चलते यार आपको सेंट्रल स्टेशन भी दिखा दूँ ब्रसल्स का, जो मेन एकदम सेंटर में है, बहुत ही एकदम हाई फाई सा या कोई ऐसी मोन्यूमेंट सी बिल्डिंग नहीं है, बड़ी है अपने आप में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और देखो वहाँ एक स्टैचू लगा है, और एक वो आके देख रहे हो ना वहाँ पे वो पियानो भी है, आप आओ प्ले करो, स्पीकर से शायद कनेक्टेड है जो भी है, या पता नहीं पियानो की आवाज़ इतनी आती हो मुझे आइडिया नहीं है। बढ़िया देखो वो प्ले कर रहा है ना, प्ले मी आई एम योर्स, प्ले भी कर सकते हो। पर एक बड़ी गंदी चीज़ मुझे यहाँ की लगी कि आप पैदल हो तो चलो कोई नहीं, सामान में यार स्टेयर्स है, एस्केलेटर है ही नहीं प्लेटफॉर्म पे जाने को, ना लिफ्ट है, क्या है यार बताओ, इतना डेवलप्ड बन रहे हो और एक लिफ्ट नहीं लगाते, बंदा पैदल लेके जाएगा उठा के सामान, इतना भारी भारी बार बार चेंज करना हो, इतना तो कम से कम कर ही लेना चाहिए, बेसिक है बड़ा। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।